सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा नेक्सा OTT अवार्ड्स को और विष्णु को खास में, क्योंकि विष्णु एक मेरे पुराने दोस्त हैं और जब भी वो एक ऑर्गेनाइज़ करते हैं ऐसा इवेंट हमेशा एक्साइटिंग होता है और जब भी वो बुलाते हैं मैं हमेशा उनको सपोर्ट करने आता हूँ। और एक्साइटिंग इवनिंग होती है क्योंकि आई थिंक कोई भी अवार्ड फंक्शन जो होता है उसमें आप अपने कोलीग्स, आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके काम को लोग सेलिब्रेट करते हैं, अवार्ड करते हैं, तो इट्स अ गुड सेलिब्रेटरी फन इवनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म मेल अवार्ड मुझे मिला है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सिर्फ बंदा काफ़ी है, ने एक इतिहास रचा है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा अवार्ड फंक्शन नहीं है जहाँ पर इस फिल्म को कई सारे अवार्ड नहीं मिले। और जो अभी अभी जो डेटा Z5 ने रिलीज़ किया है उसमें 1 बिलियन मिनट्स का वॉच हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना है OTT पे किसी फिल्म के लिए। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड आई फील सो ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और ऑल्सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट यू नो आई गॉट दिस फिल्म एंड इट हैज बिकम पार्ट ऑफ मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हुई यहाँ के हमारी पूरी कंट्री की फिल्म इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं। हमारी पूरी कंट्री से जो टैलेंट है देर इज़ वी आर सेलिब्रेटिंग ईच अदर्स अचीवमेंट्स। मैं हमेशा मानती हूँ कि हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैं एंड वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, सो इट्स वंडरफुल टू बी हियर। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस and I want to thank the Nexa Streaming Academy Awards for honoring me. Anarkali khush hui. Thank you. Mujhe best actress popular for a series mila hai, so main hamesha ye manti hu ki we are because of our directors of course, but 100% because of the audience, especially for girls like me जिनको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। तो आपके प्यार के वजह से मैं यहाँ हूँ एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड यू मेक मी वांट टू डू बेटर एवरी डे। थैंक यू सो मच। देखो अवार्ड मिले तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम काम ही इसीलिए करते हैं ताकि लोग हमारे काम की तारीफ करें, अप्रिशिएट करें हमारा काम, और फिर जब उसके ऊपर अवार्ड भी मिल जाता है तो ये सोने पर सुहागा है। आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड this is the first time Nexa is doing these awards and I'm really honored that I got this, and also I got this for Mast Mein Rehne Ka, which is a very favorite film of mine. Well ye award hai meri film Chhatri Wali ke liye jo last year release hui thi, and I'm very happy ki Nexa ne is film ko nominate kiya aur award diya because it's a very special film. It spoke about sex education aur logon ke andar ek awareness create karne ke liye film banayi gayi thi, of course entertainment ke sath. So I'm very happy ki हमारी फिल्म को इतना प्यार मिला है एंड या बहुत अच्छा लग रहा है। इट फील्स वेरी इंकरेजिंग, इट फील्स सपोर्टिव एंड आई फील मोटिवेटेड बिकॉज द ट्रूथ इज़ एज एन एक्टर आई गॉट लकी विथ सच एन अमेजिंगली रिटन कैरेक्टर, सो क्रेडिट गोज टू द फिल्म मेकर्स एंड राइटर्स ऑफ दिस शो and Amazon Prime Video and Tiger Baby and all my directors Zoya Akhtar, Nitya Mehra, Neeraj Ghewan, Alankrita Srivastav and Reema Kakti, people who really made the show, and I'm really lucky to have been able to play a character that was so richly developed, so thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही खास अवार्ड है और ये जो खिताब है बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का वो बहुत मुश्किल से मिलता है और मैं ये बात को रिकग्नाइज़ करता हूँ, तो वेरी ग्रेटफुल। और सबसे बढ़कर आज बहुत ही ख़ास शाम इसलिए थी क्योंकि मेरे डायरेक्टर साहब मेरे साथ थे, हमारी फिल्म की जो DOP हैं सिनेमाटोग्राफर, शी ऑल्सो वन हर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड, सो इट वॉज अ कलेक्टिव विन फॉर पिपा एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर रिप्रेजेंटिंग द फिल्म एंड रिप्रेजेंटिंग द इंडियन आर्मर्ड कोर, जिनकी वजह से हम ये फिल्म बना पाए, उनका बहुत बड़ा हाथ था इस फिल्म को कामयाब करने में, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। कभी पता नहीं था कि कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे और इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और फिर उसके बाद
बहुत सारे लोग उस काम को इतना पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, अवार्ड्स देंगे, तो ये बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. मैं तो थैंक यू ही बोल सकती हूँ. मैंने जब वो कैरेक्टर्स प्ले किए थे तो मुझे भी उनसे प्यार हो गया था, और मुझे नहीं लगता है कि ये मैं हूँ. आई थिंक ये कैरेक्टर्स हैं जो इतने खूबसूरत लिखे गए थे कि उनको कोई भी प्ले करता तो उनको इतना ही प्यार मिलता. मैं बस बहुत लकी थी कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली और मुझे उनकी ज़िंदगी जीने का मौका मिला और उन कैरेक्टर्स को प्ले करने का मौका मिला. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस ऑल्सो हु गेव सो मच लव. थैंक यू जी. मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है 25 दिसंबर को, कॉल्ड बेबी जॉन विद वरुण. एटलीस्ट सर एंड मुराद सर इज़ प्रोड्यूसिंग इट. पिछले 2-3 साल OTT का इतना काम करने के बाद इतने ब्यूटिफुल और ग्रेट माइंड्स के साथ काम करने के बाद नाउ दैट आई एम वर्किंग विद एटली सर एंड वरुण एंड फॉर सच अ ब्यूटिफुल फिल्म, I'm just so grateful that one after the other I'm just working with amazing people. And so I'm waiting for 25th December and I hope aap sab theaters mein jaake film dekh kar aayenge. It's my first series and the first award for that first role I played. I'm always very very grateful to Nexa, to Simon, to everyone who's brought this together. So thank you. Thank you to Netflix. Thank you to Karan and everyone. Thank you. बहुत खुशी हो रही है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नेक्सा स्ट्रीमिंग एकेडमी अवार्ड्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम बिकॉज ये साइमा ग्रुप कर रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम OTT को रिकग्निशन दे रहे हैं, तो उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद दे रही हूँ. एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये एक मूवी जो जिसके बारे में जिसके लिए मुझे ये अवार्ड मिली है, वॉट स्टार्टेड ऑफ एज अ क्यूट लिटल प्रोजेक्ट आई थिंक वो अब बड़ा हो रहा है. वी डिड अ पार्ट टू ऑल्सो ऑफ दिस फिल्म एंड बहुत खुशी हो रही है कि ये मूवी के लिए वी ऑलरेडी गॉट 2 अवार्ड्स बिफोर एंड दिस इज़ अ थर्ड फॉर द फिल्म. सो बहुत बहुत खुशी हो रही है एंड दिस इज़ फॉर द एंटायर टीम. वी वर्क सो हार्ड टू मेक दिस फिल्म पॉसिबल एंड टू सी टू इट दैट दिस मूवी इज़ यू नो देयर फॉर एवरीबडी. सो इसके लिए मैं आहा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज दे फ्रंट लाइन दिस प्रोजेक्ट, दे बैक दिस प्रोजेक्ट. सो उनको एक आई रियली हैव टू थैंक देम फॉर दिस.